स्नेह देकर डॉक्टर नारायण मलपनी और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर चंद्रकला मलपनी ने सच्ची मानवता का प्रमाण दिया है। सागर का जो बीज बोया है वो बच्चों में इस कदर उछल रहा है जैसे कि वे एक दूसरे के सगे संबंधी हैं। आजीवन समाज सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाले तथा इन बच्चों को रोटी कपड़ा मकान के साथ सुरक्षा और बच्चों में आपस में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और स्नेह का इसके अलावा यहाँ बच्चों पर उन आदर्श संस्कारों की घनी वर्षा भी बरसाई जाती है तथा उनमें अनुशासन के भी बीज बोए जाते हैं जिससे वे एक आदर्श नागरिक बन सके। कल तक जिनके होठों पर फरियादे थी आज वही कोमल मुस्काते होठों से निकलते तराने खुशी की दास्तान सुना रहे हैं। यहाँ मिल रहे स्नेह और संस्कार के मोतियों ने बच्चों पर जो चमक छोड़ी है वो इनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। निर्व्याज और प्रगाढ़ प्रेम बांटने वाले डॉक्टर नारायण मलपनी ने शुद्ध भोजन और कपड़ों से लेकर बच्चों के नहाने नाखून काटने तक सभी बातों का ट्रस्ट यहाँ ध्यान रखती है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उन सभी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं जिनमें उन्हें रुचि है, जैसे क्रिकेट या कोई और कर्तव्य। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे पढ़ाई में 80% मार्क्स भी हासिल कर रहे हैं। भूख से तड़पते, सर्दी से कांपते इन बच्चों को आज नारायण चंद ट्रस्ट में किसी चीज की कमी नहीं। अलग शिक्षा और वो सारा प्रशिक्षण जिससे वे बड़े होकर आत्मनिर्भर बन सके, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर जैसे अनेक कई प्रशिक्षण उन्हें यहाँ दिए जा रहे हैं, उन्हें दी जा रही है कपड़ा मकान के साथ। यहाँ इन बच्चों को रोटी कपने के लिए न सर पे छत था, न पांव तले छाया, होठों पर प्यास थी तराने नहीं, पर अब इनके चेहरे को देखिए, सुख समाधान और सुरक्षा का घना एहसास, आंखों में खुशी की चमक और होठों पे मुस्कान। इसका श्रेय जाता है डॉक्टर नारायण मलपनी जी को जिन्होंने इन दिशाहीन बच्चों की जिंदगी को दी एक नई दिशा और एक नया सवेरा। छत्र छाया में पल रही हैं कुछ मासूम जिंदगियां, वे जिंदगियां जो कुछ समय पहले मुंबई की सड़कों पर बेसहारा, बेघर और असुरक्षित थी, जिनकी आंखों में आंसू थे, आस की किरण नहीं, हाथ फैले हुए थे, हाथों में भाग्य रेखा नहीं, तेज धूप से बच